integration of cosec cube x dx. सो हम इस सीरीज में अब सॉल्व करते हैं. सो व्हाट कैन आई डू हियर, इफ आई राइट दिस टाइप कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, राइट. नहीं देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, आइलेट रूल को यूज करेंगे. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कोसेक एक्स को एज अ फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया एंड इट इज एज अ सेकेंड फंक्शन. सो देखिए इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट डिफ्रेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. इट मीन्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, ये हमको पूरा मिलेगा यहाँ से. सो मैंने यहाँ पे इसको आई इज इक्वल टू एज्यूम किया, सो ये आई के फॉर्म में हमारा कंटिन्यू रहेगा. अब देखिए यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं. सो आई इज इक्वल टू कोसेक एक्स, इट इज कोसेक स्क्वायर एक्स विच इज माइनस कॉट एक्स. सो माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करने के बाद मिलेगा माइनस कॉट एक्स, राइट. देन डी एक्स, देखिए माइनस माइनस यहाँ से आपका ये प्लस के फॉर्म में आ जाएगा. सो आई इज इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस है तो माइनस, अभी यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं माइनस कॉट एक्स. देन सी माइनस माइनस प्लस, तो माइनस मैंने यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया. सो इट इज कोसेक एक्स देन कॉट स्क्वायर एक्स, हमको इस टाइप का मिल जाएगा कुछ. तो कोसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स. सो नाउ देखिए हमारे पास एक फॉर्म होता है, मैंने उसको यहाँ से ब्रेक कर लेना है. इफ आई राइट कॉट स्क्वायर एक्स एज अ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, हमारे पास ये फॉर्म होता है, तो हमने यहाँ से इसको इस टाइप से लिखा. अब क्या हो जाना है हमारा, आई इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स. सी मैंने यहाँ पे इसके अंदर इंटू किया, सो इट इज माइनस कोसेक क्यूब एक्स देन माइनस माइनस प्लस, सो प्लस कोसेक एक्स डी एक्स एंड डी एक्स इट शुड बी हियर. देखिए अब हमारा जो हमने स्टार्टिंग किया था आई इज इक्वल टू दिस, तो हमारा फिर से वही फॉर्म बन गया. इट मीन्स मैं इसको एज अ आई फंक्शन लिख सकती हूँ. सो मैंने यहाँ पे इसको लिखा आई इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स माइनस, इसको हमने क्या लिखा आई लिखा, तो ये आई हो जाना है. देन प्लस कोसेक एक्स डी एक्स, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो टू आई इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स देन प्लस, अब देखिए मैं यहाँ पे राइट इसको इंटीग्रेशन इसका कर सकती हूँ, तो कोसेक एक्स का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, हमारा यहाँ से आ जाएगा लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे मैं उसको यूज कर देती हूँ. सो देखिए प्लस लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, अब हमने प्लस सी का ऐड करना है जस्ट बिकॉज कॉन्स्टेंट क्या हम ऐड करेंगे. अब आई इज इक्वल टू हमें फाइनली हमारा आंसर क्या मिल जाना है, माइनस वन ओवर टू कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स प्लस वन ओवर टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इट इज योर फाइनल आंसर.